महावितरण कंपनी द्वारा लाइन का प्रावधान नहीं किए जाने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से अंधेरे में जी रही है। शोभा महामुनि और उनका परिवार वरोरा शहर के पास चिनोरा इलाके की एक छोटी सी बस्ती में रहता है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और वे पिछले 5 साल से इसी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उनके बेटे की मौत हो गई। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। अब इनकी आंखें भी ठीक से नहीं देख पाती हैं। वह अपने कामकाजी बेटे को छोड़कर फिलहाल अकेली रह रही हैं। वह एक होटल में रोटी बनाने का छोटा सा काम करके अपनी जीविका चलाती है, पर जब रात होती है तो जीते जी झोपड़ी में जाने से डर लगता है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने कई वर्षों तक महावितरण कंपनी के लिए एक झोपड़ी में एक बल्ब शुरू करने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि बार बार मौखिक संवाद करने और पास में मौजूद दस्तावेज देने के बाद भी लाइन नहीं मिलने से भी परेशान है। वे पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन उन्हें महावितरण के अजीबोगरीब फैसले की वजह से बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। झोपड़ी तक ले जाने के लिए खंभा और तार फेंकना पड़ता है। इतना बड़ा खर्च देखकर वह ऑफिस से वापस आ गईं। इसके बाद वे सबसे गुहार लगाने लगे, लेकिन अब तक उन्हें बिजली का मीटर और लाइट तक नहीं मिली। यह झोपड़ी सड़क के किनारे अतिक्रमित जमीन पर होने के कारण उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन वे पिछले 5 साल से इस झोपड़ी में अकेले रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। वर्तमान में उसकी उम्र 65 वर्ष है और हालांकि वह अच्छी स्थिति में है, लेकिन रात में रोशनी नहीं होने के कारण बहुत असुविधाजनक और रात को डर के माहौल में रहती हैं। वरोरा स्थित संबंधित विभाग से बार बार अनुरोध करने के बाद भी रोशनी नहीं दी जाती है। इसके लिए पत्रकार व शिवसेना के जिलाध्यक्ष ने भी स्थिति की जानकारी महावितरण को दी, लेकिन महावितरण कंपनी अभी तक नहीं जागी है। हालांकि वरोरा शहर में महावितरण कंपनी ने सड़क किनारे तमाम पान ठेलों में अतिक्रमण की गई जमीन को हजारों बिजली के मीटर दे दिए हैं, लेकिन ये खास है। इससे नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शोभा महामुनि ने पत्रकारों को बुलाकर अपने डर की कहानी सुनाई। क्या कोई इस गरीब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक बिजली का बल्ब दे सकता है? यह सवाल कई सालों से पूछा जा रहा है। मैं गेले 5 वर्षापासून इथं राहत आहे, म्हणजे अशा जागेमध्ये नजूलच्या जागेमध्ये बांधून राहत आहे। मला आधार कोणाचा नाही। मी एक अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करत होती। गेल्या वर्षी माझं रिटायरमेंट झालं आणि त्यात माझा मुलगा पण मरण पावला आणि सध्या मी एकटीच राहत आहे। रात्रीच्या वेळेला एकटी हिंमत नाही होत राहायची। मला आपणा माझी अशी आपणास विनंती आहे की मला निदान एक बलाची तरी सुविधा करून द्यावी, त्यात मी समाधान मानू शकते। 2-3 मी ऑफिसमध्ये आधी अप्लाय पण केला, माझे डॉक्युमेंट पण ऑफिसवर सादर आहे, पण त्यांनी मला वारंवार तुम्ही टॅक्स पावती आणा, टॅक्स पावतीसाठी विनवणी केली, पण टॅक्स पावती मिळू शकत नाही। निदान मला ग्रामपंचायतला पण लेखी दिलं आहे मी का मला इम्लाटरी टॅक्स द्यावा का जेणेकरून मी लाईटची सुविधा करू शकेन, पण त्यांनी पण म्हटलं का हे जागा आमच्या ह्याच्यात नाही आहे म्हणून त्यांनी मला दिली नाही अजूनपर्यंत। त्यांचं म्हणणं काय, एक तर टॅक्स पावती आणा, नाही तर मग 8,000 रुपये खर्च येते, तुम्ही पोल घ्या। तर तेवढी माझी हे नव्हती का पोल घेण्याची, आणि घेतली पण असती, पण जागा माझी नसल्यामुळे, माझ्या मालकी नसल्यामुळे मी तेवढ्या ह्याच्यात नाही जाऊ शकत। वरोरा से चेतन लुथेडे के साथ सुनील तायडे की रिपोर्ट।